मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अभी सरकार बनेगी वो कभी भी हिल सकती है, तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा किया और उनके दावे के हिसाब से 160 सीटें कमाई, 240 सीट उनकी आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की जनता ने उनको नकारा है। 400 पार वाले थे ना आप, 14 में आपको अपने मेजोरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 में खेल रहे, 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चल रही। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा, उनको 235-240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं, क्या ये बहुमत है? कल से मैं देख रहा हूं इंडिया की सरकार लाने जा रहे थे, मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अभी सरकार बनेगी वो कभी भी हिल सकती है, तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। तो हमारा हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा किया था और उनके दावे के हिसाब से 160 सीटें कमाई हैं, 240 सीट उनकी आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की जनता ने उनको नकारा है। और नकारा किन कारणों से है? महंगाई बहुत बड़ा कारण थी, बेरोजगारी दूसरा बड़ा कारण थी। 400 पार की बात जो उन्होंने की तो देश की जनता को ये समझ में आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को ये खत्म करेंगे। आरक्षण की व्यवस्था जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को एक संरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण की व्यवस्था को ये खत्म करेंगे। और जो तानाशाही की हुकूमत इन्होंने चलाई, इन सब बातों को लेकर जनता में गुस्सा था, नाराजगी थी। और एक बहुत बड़ा संदेश भारत की महान जनता ने दिया है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लोकतंत्र के अंदर लोग मालिक होते हैं, ये बात मोदी जी को और प्रधानमंत्री जी को, उनकी पार्टी को समझ में आनी चाहिए। 400 पार वाले थे ना आप, 14 में आपको अपने मेजोरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 पे खेल रहे, 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चल रही है, इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? अपने शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, नीतीश जी के साथ क्या किया, चंद्रा बाबू के साथ क्या किया था, आज आपकी जरूरत है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी बताऊं, आपके दल को भी जानता हूं और वो जो संस्था है ना नागपुर में उसको भी जानता हूं, आपका विकल्प ढूंढा जा रहा है, आप उसकी चिंता करिए। और मोदी की गारंटी वारंटी भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद आप 238-39 पे हुए, आपको तो ये कहना चाहिए था कि अब आगे से कोई कैंपेन मैं इन शब्दों पे नहीं करूंगा, आप कल भी चूक गए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा,
धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स